हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को चना की दाल बना के दिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार लगता है, रोटी के साथ, पूरी के साथ या पराठा के साथ, किसी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, मैंने रात भर जो है चना की दाल को भिगो के रखे है, अभी पूरी तरीके से फूल चुका। आप जो हमें इतना ही इसका रस रखना है, मतलब तो ग्रेवी इतना ही हमें रखना है, इसलिए हम इतना ही पानी दे रही हूँ। देखिए कितना पानी होता है, इससे ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि बाद में हम पानी नहीं मिलाएंगे। करीब 1 गिलास पानी। देखिए हम दाल को कुकर लेंगे, कुकर में डाल देंगे, सारे पानी को भी डाल देंगे। और मेरे पास छोटा सा एक प्याज है, छोटा सा एक टमाटर हैं, और 2-4 कली लहसुन है। अब इसमें हम डाल देंगे। हम 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, आप अपना हिसाब से बनाइए। नमक डाल दूंगी आधा चम्मच, हल्दी डाल दूंगी आधा चम्मच, मिर्चा मैं अभी नहीं दूंगी। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके इसको 2 सीटी लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं इसको पकाना है, सिर्फ 2 सीटी लगा के इसको रख देना है। साथ में 1 इलायची और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा मैं डाल रही हूँ। तो ये कुकर को हम रख दिए हैं गैस पे। अब इसको 2 सीटी आने तक हम वेट करते हैं। 2 सीटी हो जाने के बाद हमें 4 मिनट और वेट, कुकर ठंडा होने तक का हमें वेट करना है। उसके बाद हम इसको अच्छे से सोक लगाएंगे। बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो चलिए फ्रेंड, कुकर खोल कर देखते हैं। हो गया, अब मीडियम आंच पे 2 सीटी मारे हैं। अब मेरा कुकर ठंडा हो चुका है। देखिए मेरा दाल, दिखाते हैं फोड़ के, देखिए पक चुका है पूरे दाल। देखिए हमें ऐसे ही चाहिए, ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, ज़्यादा पिघल जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे ही हमें खड़ा रखना है। देखिए चलिए आइए छोक लगाते हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, हम करीबन 1.5 चम्मच ऑयल दे देंगे हम, तो नॉर्मल चम्मच है उसका 1.5 चम्मच ऑयल दे दिए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ मसाला है, ये देखिए 3 सूखा मिर्च है, 1 चुटकी जीरा, 1 तेज़पत्ता, 2 लौंग, 1 छोटा इलायची है, इसको हम देखिए फोड़ दिए हैं, और थोड़ा सा दालचीनी, 2 काली मिर्च है। हम मिर्चा फ्रेंड अब नहीं देंगे, ये जो इसी में लाल मिर्च जो हम छोक लगाएंगे, इसी में जो मिर्चा होगा वही लेंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप उसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे तीखा नहीं ज़्यादा देना है, इसलिए हम इसी में जो होगा उसी में हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा अदरक कम कद्दूकस कर लिए हैं, 3 कली लहसुन को कद्दूकस कर लिए, 1 मीडियम साइज के प्याज है। अब मेरा तेल गर्म हो चुका, अब हम दे देंगे सारे मसाला दे देंगे, लहसुन, अदरक और प्याज। इसके साथ फ्रेंड आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट दे देंगे हम, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ऐसे तो मैं दे रही हूँ और हम थोड़ा और भी देंगे इसमें, इसके अच्छे से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। देखिए मेरा
तड़का एकदम रेडी है। अब इसके अंदर हम दाल डाल देंगे। हम इसको मीडियम आंच पे 5 मिनट तक पकाएंगे। इसको थोड़ा सा मैश कर देंगे जैसे दाल हमारा थोड़ा सा गाढ़ा बने, ज़्यादा नहीं मैश करना है क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद ऑलरेडी ये गाढ़ा बन ही जाता है, तो ज़्यादा हमें नहीं इसको मैश करना है, बस थोड़ा सा ही। इसको हम ढक के 5 मिनट तक और पकाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, 5 मिनट हमने इसको मीडियम आंच पर पकाए हैं ढक के। देखिए मेरा दाल एकदम तैयार है, तड़का वाले बहुत ही सुंदर खुशबू आ रहा है इसमें से, और खाने में भी वो इतनी टेस्टी बनती है। आप पूरी, पराठा, रोटी, चावल किसी के साथ भी इंजॉय कीजिए, बहुत ही मज़ेदार है। चलिए हम इसको उतार लेते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने उतार ली है। आपको कैसे लगी मेरी दाल की रेसिपी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे दाल बना के ज़रूर आप लोग खाइए और मज़े लीजिए। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय।